नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा जोशी, हमारे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आपके आपने सबने बर्थडे विशेष जो जो मुझे दिए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक तो सरप्राइज पार्टी, पहली बार सरप्राइज मिला था उसका भी बहुत अच्छा लगा। और शेखर जी को भी धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने अपनी मम्मा को बहुत मिस करा उस दिन, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक बेटी माँ बनती है उसे पता लगता है कि हमारी माँ ने कितना कष्ट करके हमें जन्म दिया है और कितने कष्टों से वो हमें। अच्छा, पहले के जमाने में तो क्या होता था कि सुविधाएं नहीं थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब औरतों को दर्द नहीं होता, परेशानी नहीं होती, परेशानी सबको होती है, लेकिन पहले का जमाना क्या था कि लोगों को मम्मी बताती थी कि ऐसे ऐसे पैदा करा, मतलब वहां पे कोई था भी नहीं, इतने ठंड के दिन थे फरवरी के में। हम एक्चुअली तीनों भाई बहन सर्दियों में पैदा हुए हैं, तो मम्मी को है नहीं, मम्मी 10 साल हो गए मम्मी को तो भगवान जी के पास गए हुए, लेकिन बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको। इतना मिस कर रही थी कि मैं कह नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि मतलब कितने कष्टों से माँ मतलब अपने बच्चे को जन्म देती है और कैसे उसका पालन पोषण करती है। और मम्मी बताती थी कि जब सर्दियों के दिन हो जाते थे तो जैसे गद्दियां वगैरह भीग जाती थी, हालांकि गद्दियां भी नहीं होती थी, जो एकाध होती थी भीग जाती थी, फिर ना वो पेटीकोट लगाती थी ऐसे करके। पहले से साड़ी पहनते थे सब लोग, सूट का जमाना तो था नहीं, तो वो पेटीकोट ऐसे साइड से लगाती थी, फिर बच्चे को लेटाती थी उसमें, फिर उसको जो जब वो भीग जाता था फिर उसकी दूसरी साइड पलट के अपना गीले में रहती थी, बच्चे को सूखे में रखती थी। मतलब इतना कष्ट करती थी पहले की माएं, तो बहुत मिस करा मैंने अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी थी तो वैसे सबकी मम्मा बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और आज के दिन वो होती तो शायद मैं बहुत खुशी होती, हमारा चैनल भी देखती, बहुत मिस करती हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो इसलिए भी थी कि इतनी अच्छी प्यारी प्यारी गुड़िया जो है को दुनिया में लाने का उनका सबसे बड़ा श्रेय रहा है। और बच्चे ही नहीं, बच्चे होने के साथ साथ मैं समझता हूँ संस्कार भी बच्चों में डालना, मतलब एक तो बच्चा आ जाता है ऊपर से जो उसकी असली जो परवरिश, उसको अच्छे संस्कार देना, फैमिली में रहने के संस्कार देना, फैमिली में छोटा बड़ा सबको निभाने के संस्कार देना, तो आज तक जो आपने सब इज्जत रखी है वो सबसे बड़ी बात है। और इस सब का श्रेय मैं भी मम्मी जी को ही दूंगा, और इस सब का श्रेय उनको ही जाता है। और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारी उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि भी है, उन्हें वो जहाँ हों, और उन्हें अगर अगला जन्म मिलता है कोई दुख कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ये ना कि वो हम लोगों के साथ मूवी भी देखा करती थी, वो एंजॉय बहुत करती थी, बस बहुत ज्यादा। सबसे इसलिए बुरा लगता है कि आज होती तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती, और हम लोगों के साथ तो वो बहुत, हम दोनों के साथ बहुत एंजॉय करती थी, तो हम सोचते हैं कि हम अपने एक्ट में भी उनको लेते, और थोड़ा अफसोस होता है। थोड़ा लास्ट टाइम उन्होंने वो दिखाई थी ना उनको थ्री इडियट्स, मैंने बहुत पसंद आई, मैंने और उन्होंने थ्री इडियट्स साथ ही देखी थी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, और मैं श्रद्धांजलि लता जी को भी दूंगी, क्योंकि वो भी भारत कोकिला रही, मतलब सबकी माँ जैसी, और उन्होंने इतना अच्छे अपने गायन से सबको सबका मनोरंजन किया, बहुत अच्छी। उनकी जैसी आवाज तो शायद किसी की होगी नहीं, सभी को पता है। तो दो लाइन उनके लिए, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका भजन। ये लता जी के लिए भी और मम्मी जी के लिए भी श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज जो है संडे है, छुट्टी है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लक्षा कुछ बना रही है यार। आओ देखते हैं, पता करते हैं क्या बना रही है। ओए भूमिका झाड़ू लगा रही है बैकग्राउंड में, कहाँ लगा रही है? ओए होए, मैं धन्य हो गया यार, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं भाई, देखो भाई मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा धन्य और क्या हो सकता हूँ। हालांकि ये रायता जो फैलाया हुआ है ना दोस्तों,
ये रायता भी भूमि का ही फैलाया हुआ है। इसीलिए वो रायता खुद ही समेट लिया है। हेलो गाइस, ये रायता मैंने फैलाया, बोल दे। मेरे को खिला दो यार, मेरे को बहुत ही भूख लग रही है अभी तो यार। नहीं को क्या बना रही है बता दे जरा गाइस को। बिल्कुल ऐसे उसके तरीके से बनाती है ना शेफ। बना दे बेटा, बता दे क्या बना रही है। सो गाइस, यहां पे मैं बना रही हूं पास्ता, टेस्टी टेस्टी पास्ता मल गया है। ओए 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 ओए, मजा आ जाएगा यार। ओए तो दोस्तों, आज आ गई है शेखर जोशी चैनल पर हमारी नई वीडियो परापरोली की पहाड़ी डेट और पुष्पा राज। देखिएगा, बहुत मेहनत की है और इस बार नए कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ठीक है। तो नाश्ता अभी बन रहा है और मैं इतना खुश हूँ यार, संडे के दिन नाश्ता जब बनता है, पास्ता और ये कुछ चटर बटर बनता है तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और हमारे साथ में है लक्ष्या भूमि चैनल से लक्ष्या। ओए ओए, मतलब अपना बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि खुद खिलाने लग जाए, खुद बना के खिलाने लग जाए, तो यार इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। और बाकी मैं एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, आज की डेट में हर कोई पढ़ाई और मोबाइल के बोझ के तले दबा हुआ है, तो बच्चों को कुछ अपने घर के काम भी करवाइए, एंटरटेन करिए। इससे तो आपका भी फायदा है और बच्चों का भी। नहीं, फायदा भी है बेटा। हाँ, तू भी आ रहा है यार। तो क्या यार, तू नहीं आएगा यार, बता कौन आएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो में जो आज शेखर जोशी चैनल पर आई है उसमें एक सीन ऐसा हुआ कि मेरे को चप्पल निकालना था नीचे से, पेड़ के नीचे से, और मैं सच में गिर पड़ा उसमें। तो उसका हमने रिटेक नहीं लिया और वो सीन एज इट इज़ है और मेरे पीछे लग भी गई है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। अपने काम, जिस काम के लिए जुनून हो, जिस काम में मज़ा आए, उस काम में दर्द झेलने का अपना मजा है। चाय भी बना रही हो क्या साथ में? कॉफी। यार लाइट बहुत आती है यार यहाँ से, इसीलिए मज्जो ना आ रहा। बन गया बेटा? बन गया, मैं देख लिया, बहुत ही मस्त हो गया। ओए होए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, जल्दी जल्दी करो। तो पड़ेगा नमक, ज्यादा नमक मत डालना, ज्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टेस्टी नहीं और साथ में चाय। चाय नहीं यार, क्यों मजाक? बटर बटम कॉफी यार, बटर बटम। ओए बटर बटर, ओए बटर बटर, खा दिया बटर रे, तेरी मम्मी की पटर पटर रे। आज संडे है, तेरी मम्मी ने सुबह से दिमाग खराब कर रखा है, कड़कड़ 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 कड़कड़। कभी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे फिर भी। सही बात, तुम दोनों की यूनिटी जो है ना, मुझे क्या कहते हैं, बहुत वो चलती है। भूमि, पुष्पा राज कैसे बैठता है दिखा दे, कैसे बैठता है पुष्पा राज। ओए ओए, पुष्पा राज कैसे बैठता है। कपाव चिन्हों बना रही हो? तेरी इसी अदा पे सनम, हमको तो प्यारा था है, तेरी इसी अदा पे सनम, मुझको तो प्यारा था है। अब ये गरम, अभी तक ठंडी पड़ी थी, ऐसी बन गई। हाँ बेटा ठंडी, थोड़ा जल्दी बनाओ यार, मुझे बहुत भूख लगी। अरे मम्मी लगा रही, डेढ़ सौ निकाल, डेढ़ सौ निकाल। ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर ही नहीं। मेरे जन्मदिन में तुमने मुझे पोछा गिफ्ट करना था, वो नहीं किया है। और पोछा देना था तुम्हें, तो ऐसे इतने अच्छे से पोछे चल गए, मुझे ये कपड़े के पोछे से ऐसे लगा। सॉरी सॉरी, लोग डायमंड की रिंग मांगते, मेरी मम्मी पोछा मांग रही। मुझको यारा माफ करो, तुम्हारे लिए मैं नया पोछा ले आऊंगा, मेरी जान 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 जान। तो फाइनली पास्ता आ गया है भूमि। ओरिगानो, अरे खोलना भी तो पड़ेगा ये। लड्डू
खुला कैसे खुलता है? अच्छा ये ऐसे खुलता है, ओरिगेनो डाल देते इसमें। अरे ज्यादा ओरिगेनो हो गया यार ये, और बात गनो हो गई है तो यार बेटा इससे नहीं खाया जाता मुझसे। स्वाद भरे और प्यार भरे फैमिली में पास्ता खा लिया।